हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल MT इलेक्ट्रिकल। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि पाइप में वायर कैसे डाला जाता है, यानी पाइप अंडरग्राउंड डालने के बाद या ओपन डालने के बाद उसमें वायर जो है वो कैसे खींचा जाता है। तो प्लीज़ चैनल बना रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, वायरिंग करने के लिए वायरिंग स्प्रिंग चाहिए, स्टील का वायर आता है, और एक ये देखिए, ये हमारा स्ट्रिप पट्टी है, जो देखिए ये हमने फॉरेन से मंगवाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। और इसको इसके द्वारा हम बताएंगे कि आप कैसे वायर खींचेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही सेफ्टी दिया हुआ है, देखिए यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने निकाल लिया, फोल्डिंग जो था उसको अभी हमने निकाल लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे देखिए कितना ही पतला है, और देखिए यहाँ पे गोल नुमा बनाया हुआ जाकि पाइप में जाए तो आसानी से चला जाए। और देखिए इसके द्वारा वायर कैसे खींचा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम पाइप का वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा पाइप बॉक्स है पूरा, और इसका वायरिंग कर लेते हैं हम, और आपको दिखाएंगे कि इसमें पाइप कैसे डाला जाता है। और देखिए हमारा एक बॉक्स ये है, और देखिए ये वाला हमारा इधर है एक, देखिए तीन पॉइंट का हमें गए हमको अगर वायरिंग करना है। तो इसको सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें तीन पॉइंट का हमें वायरिंग करना है। यहाँ एक पॉइंट ले सकते हैं आप, चार पॉइंट ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड है, इसको वायरिंग करना है। तो कैसे करेंगे आप, एक स्विच लगाना चाहते हैं तो एक स्विच लगा सकते हैं, तीन स्विच लगाना चाहते हैं तो तीन सेपरेट वायर डालेंगे आप। अगर एक ही स्विच से आप तीन लाइट को यूज करना चाहते हैं तो तीन लाइट को एक ही स्विच से भी आप यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम वायरिंग कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीनों को ओपन कर लिया, और देखिए हमारा जो स्टील का तार है इसको हम डालेंगे, किधर से डालेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिधर से हमारा बोर्ड है उधर से ही आप स्प्रिंग को डालेंगे। देखिए हम यहाँ से डालेंगे, और इसके बाद से इधर मोड़ देंगे, देखिए इधर मोड़ दिया हमने, इसके बाद से हम इधर मोड़ देंगे आप देख सकते हैं यहाँ से, और देखिए हमारा आसानी से, बहुत ही आसानी से हमारा जो है वो आ गया हमारा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा, ये देखिए वायर आ गया। और इसी में हम वायर बांधने के, देखिए अब अगर आपका एक स्विच से करते हैं तो देखिए हमारा फेस न्यूट्रल दो वायर है, दो वायर डालेंगे आप। अगर आपका अर्थिंग का डिमांड है तो अर्थिंग का भी आप वायर डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए इस दो वायर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास इंसुलेशन टेप होगा, उस इंसुलेशन टेप से आप क्या करेंगे इस पर यहाँ पे इसका स्किन निकालेंगे, और स्किन निकालने के बाद से जो है इसमें आप फुल ट्विस्ट कर देंगे, इसमें फुल ट्विस्ट कर देंगे, या आप अगर ट्विस्ट नहीं करते हैं तो एक राउंड जो है टेप को आप इसमें लगा लेंगे, और उसके बाद से वायर को जो है इसको ऊपर से लगा के और इसमें फुल टेप लगा लेंगे ताकि हमारा जो वायर है वो बीच में निकले ना। और देखिए हमने कितना अच्छा तरीके से देखिए इसको बांध लिया, स्प्रिंग में बांध लिया आप देख सकते हैं, मैं स्टील पट्टी में बांध लिया, और इसको आप खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, देखिए यहाँ से भी खींच सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट आपका आ रहा है तो डायरेक्ट भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट खींच सकते हैं यहाँ से। अगर देखिए आप एक स्विच, तीन लाइट के लिए एक स्विच लगा रहे हैं तो दो वायर आपका काफ़ी है, पूरा यहाँ से आप लूप कर सकते हैं। अगर तीन लाइट के लिए अलग अलग स्विच लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले दो फेस और न्यूट्रल यहाँ से डालेंगे, और यहाँ से एक पीस डालेंगे, फिर यहाँ से एक पीस डालेंगे, और न्यूट्रल हमारा जो पूरा सेम है। तो अभी हम एक स्विच से तीन लाइट को करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से खींचेंगे वायर स्प्रिंग को, यहाँ से खींचेंगे, और देखिए हमारा इजी तरीका से जहाँ पे अगर आपका वायर आ जाता है तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वायर ये निकाल लिया ऑलरेडी, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आवश्यकता अनुसार इसको क्या करेंगे, बोर्ड के पास आप इसको एक देखिए यहाँ पर बांध देंगे ताकि हमारा फिर पाइप के अंदर न जाओ। देखिए क्या करेंगे यहाँ से, देखिए इधर से हमने वायर डाला, यानी बंडल हमारा वायर का इधर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो क्या करेंगे, इधर बोर्ड है, इधर आवश्यकता अनुसार आप नप के इसको कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ से अगर एक स्विच से तीन लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको लूपिंग करेंगे, यानी इधर से वायर खींचेंगे। देखिए आवश्यकता अनुसार आप इतना चाहते हैं कि हमारा इतना में हमारा होल्डर हो जाएगा तो इतना में आपको खींच के इतना लूप कर लेंगे। फिर इधर से खींचेंगे, इधर से नहीं खींचेंगे, इधर से खींचेंगे। देखिए इधर से खींच लेंगे और इधर से हम लूप कर लेंगे। देखिए हमारा इतना हो गया, देखिए दोनों में लूप इतना हो गया हमारा। और इसके बाद तीसरा जो है आवश्यकता अनुसार आप इसको कट कर लेंगे ताकि हमारा बंडल सेफ्टी से बच जाए। देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट का जो है हमने लूप कर लिया है और एक स्विच से कंट्रोल कर लिया है। तो इसी तरह वायरिंग किया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग हो या जो भी घर हो, कुछ भी हो, उसमें वायरिंग इसी तरह किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।